कोविड काल में बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए या नहीं, लाख टके का ये सवाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कोरोना आंकड़ों से फिर चर्चा में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल गए 62 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 10 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को आई है। स्कूल से लिए गए सैंपल्स में 27 बच्चे पंजाब में बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 27 बच्चों में से 21 लुधियाना के 2 स्कूलों के बच्चे हैं। हरियाणा में भी स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा 6 है। ये सभी बच्चे फतेहाबाद के हैं, जिनकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है। हमारे स्कूल में कल टेस्टिंग हुई, प्लस वन क्लास के विद्यार्थी थे, 41 विद्यार्थियों में टेस्टिंग हुई थी, उसमें से 8 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव आए ने। उनके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई, हमने प्लस वन और प्लस टू के सारे विद्यार्थियों को कल ही स्कूल से बाहर रहने का आदेश दे दिया था, भी जब तक कोविड इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता 14 दिन के लिए हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी स्कूल के बाकी विद्यार्थियों के लिए हमारी बात चल रही थी, आज DC साहब के हुक्म के अनुसार 10 तारीख से हम 24 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल को खोलने वाला हरियाणा पहला राज्य था। इसके बाद 2 अगस्त से प्री नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत पंजाब ने भी दी है। 2 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए, लेकिन अब इन तीनों राज्यों के स्कूली बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हंगामा मच गया है। 3 राज्यों में स्कूलों के बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बड़े स्तर पर पूरे भारत को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या वाकई दोबारा स्कूलों को खोलने का समय आ गया है। महाराष्ट्र 17 अगस्त से कोरोना नियंत्रित क्षेत्रों में स्कूल खोलेगा। महाराष्ट्र में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल ग्रामीण इलाकों में, जबकि 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शहरी इलाकों में खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली में बड़े बच्चों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल आने की इजाजत मिल चुकी है। कर्नाटक में 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। ओडिशा में 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। 16 अगस्त से 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। तमिलनाडु में 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मेघालय भी अगस्त से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में स्कूल खुले उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने 22 अगस्त तक स्कूलों में फिर से ताला लटका दिया है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में कोविड सिचुएशन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी तेजी से पिछले 8-10 दिनों में मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कोविड के, और ऐसी सूरत में स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स भी जो है उसमें संक्रमित हुए और चंबा जिला में विशेष तौर से ज़्यादा है, और ऐसी सूरत में फिर हम अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए करें वो उचित नहीं है, इसलिए बेहतर समझा कि हम एक निर्णय करके 22 तारीख तक इतने स्कूल जो हमने जो हिमाचल में स्कूल खोले थे उन सभी स्कूलों को बंद कर देते हैं। पंजाब और हरियाणा ने स्कूलों को दोबारा बंद करने को लेकर कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन कम से कम पंजाब ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सैंपलिंग को तेज करने का फैसला किया है। हाँ, ये हमने डिसाइड किया है कि हर रोज़ 200 बच्चों के पीछे एक बच्चे को टेस्ट करने का हमने टारगेट रखा है, और टोटल 3,35,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक इस पढ़ते हैं, और उसका जो 200 के पीछे एक की रेशियो है लगभग 1500 के करीब बनती है। हर रोज़ 1500 से ऊपर 2000 भी जा सकता है, 1700 भी जा सकता है, पर ये टेस्टिंग हम कंटिन्यूसली करेंगे बच्चों में। स्कूली बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान है वो बेहद गंभीर समस्या है, लेकिन दूसरी लहर के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर आई ये रिपोर्ट नई परेशानी का सबब बन रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।